तो आपने उस वक्त क्या करना है, सेल कर देना। सेल किस में करना, यूएसडीटी में सेल कर देना। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती, लेकिन ये है क्रिप्टो में। तो आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक ये जितनी भी करेंसीज है ना, ये मोस्टली सिक्योर होती है। अब इनमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप लोग भी ये सोचते होंगे कि काश मैं भी क्रिप्टो से पैसे कमा पाता, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे क्रिप्टो के बारे में लर्न करूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप भी क्रिप्टो से फायदा उठा सकते हैं और रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं, और आपको सीखने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी है और उनको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद आप क्रिप्टो में से पैसा बना सकते हैं और आपको डेली एक्टिव आवर्स देने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने Binance पे चले जाना है। Binance की वेबसाइट खोलें, Binance.com पाकिस्तान से है, इंडिया से है, Binance कॉमन है, दोनों साइड पे वर्क करती है। तो आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है, यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर कर लेना है। मैंने रजिस्टर कर लिया है, मैं इसे लॉगिन करूँगा। जी हाँ, रजिस्टर करते हुए आपसे ये आपकी आईडी ज़रूर मांगेगा कि आप आईडी प्रोवाइड करें हमने, क्योंकि KYC नो योर कस्टमर के रूल के तहत इनको आईडी लेनी ज़रूरी पड़ती है कि इनको रिक्वायर्ड है बाय लॉ। तो मैंने उसके बाद आपने रजिस्टर कर लिया, वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर लिया। मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपल पहला काम हो गया आपने लॉगिन करके, उसके बाद इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी बाय करके रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बाय करके रखनी है, और जब क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी आपने सेल कर देनी है, और नीचे जाएगी तो आपने बाय कर लेनी है अगेन एंड अगेन। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आपके पास डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना है कि मैंने बाय कैसे करनी है क्रिप्टो। तो बाय क्रिप्टो करनी है तो आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो पैसे करने हैं तो यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो आपने बाय करना है डायरेक्टली कार्ड से तो आप यहाँ पे बाय क्रिप्टो के ऊपर चले जाएं। बाय क्रिप्टो के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कितना USDT सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे PKR आ जाएगा या INR आ जाएगा। यूजली जो है ना USDT ज़्यादा अवेलेबल होता है। मेरे पास जो GBP है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, GBP करेंसी मेरे पास GBP फियाट ये एक्सेप्ट कर ला है। मैं कहता हूँ मिनिमम कहता है 15 pounds स्पेंड करने में पड़ेंगे और मैक्सिमम 5000 आप वन गो में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आप डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने फॉर एग्जांपल 20 pounds आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट कर लिया। देखें कितने सारे कॉइन्स हैं, सारे कॉइन ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने कॉइन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ BTC या मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ICP इंटरनेट कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट कर दिया, और मैंने $20 के मुझे 1.9 आ गए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर, मेरे पास ऑप्शन है बंच ऑफ कार्ड के ऑप्शन है, मैं कहता हूँ ऐड कार्ड। देखें हमारे पास GBP में कार्ड की ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे USDT सेलेक्ट करते हो तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको देता है। USDT सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन देता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंट्री में कौन से ऑप्शन देता है। लेकिन इंडिया में आपको बता दूँ ये UPI पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है Binance, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऐड न्यू कार्ड, फिर वही बात। तो हमने यहाँ पे कार्ड ऐड करने के बाद क्या करना है, चेकआउट कर देना, आगे जाके बाय करना, तो अमाउंट आपके जितनी भी क्रिप्टो बाय करेंगे आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा ये तो बाइंग थी, सिंपल बाइंग थी। अगर आपको को ट्रबल हो सिंपल बाइंग में, आपके कंट्री में अवेलेबल ना हो क्योंकि कुछ कंट्री में बाइनांस का इशू है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। मेरी P2P से मनी ट्रांसफ़र वाली जो है ना ऑप्शन आपने देख लेना, यहाँ से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और यहाँ से बाय क्रिप्टो वाया P2P, तो P2P से भी उस क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। तो बाइंग वाला तो इशू खत्म हो गया। आप लोगों ने बाइनांस का अकाउंट बनाना है और उसमें क्रिप्टो बाय करके, और आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने क्रिप्टो बाय करके होल्ड करनी है। अब होल्ड कौन सी करनी है क्रिप्टो मैं आपको बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है। कॉइन मार्केट के आपके ऊपर चले जाएँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 से लेके यहाँ पे रैंकिंग आ रही है, नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक। ये जितनी भी करेंसीज है ना ये मोस्टली सिक्योर होती हैं। अब इनमें से आप लोगों ने चूज़ कौन सी करनी है, तो चूज़ कौन सी करनी है आपने ये देख लेना है कि किस में पोटेंशियल ज़्यादा है। अब लास्ट 7 डेज की परसेंटेज देखता हूँ, लास्ट 7 डेज में इथेरियम ने सर्विस सबसे ऊपर चला गया, तो इसको आपने ऑब्वियसली बाय नहीं करना क्योंकि इसने आगे करेक्शन आनी है, इसने जाना है। इथेरियम देख रहे हैं 40% ऊपर चला गया, इसको भी बाय नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं कि लास्ट 7 डेज में कौन सा सबसे नीचे गया है। देखें फाइल कॉइन है या टॉन कॉइन है, अवलांश है, कौन सा नीचे गया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि अवलांश एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें मजीद जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। मेरी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो के टॉप 10 कॉइन्स जो है ना वो मैं रिवील कर दिया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें टॉप 10 आपको पता लग जाएंगे कॉइन्स, और आप लोगों ने क्या करना सिंपली वो बाय करके रख देने हैं। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, अवलांश आपने सेलेक्ट कर लिया कॉइन, उसके बाद आपने क्या किया लास्ट 1 ईयर में इसकी फोरकास्ट देखी। लास्ट 1 ईयर में देखें ये कहाँ पे था, ये कितना ऊपर चला गया,
ये $9 समथिंग से ये यहाँ पे गया $48 पे गया। अभी कितने पे है? अभी 38 के ऊपर है, 36 के ऊपर है। वन मंथ में देखते हैं, अभी देखें वन मंथ में ये देखें यहाँ पे गया है $49 के ऊपर ऑलमोस्ट गया, अभी कितना है नीचे है। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है कि अभी अभी मैं अवलांच को बाय करूँ तो ये दोबारा वन मंथ में उम्मीद है कि ये उसने पिक करना है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये अभी नीचे है तो बाय करना है। जब भी कोई क्वाइन नीचे हो ना, बहुत ज़्यादा नीचे हो, उस वक्त बाय करना होता है। जब वो बहुत पीक पे होता है उस वक्त बाय ना करें, क्योंकि उसने नीचे आना होता है, करेक्शन आनी होती है यूफोरिया के बाद। तो आप लोगों ने इसको क्या किया, अवलांच को यहाँ पे गए, बाइनांस के ऊपर गए, आप लोगों ने इसको बाय कर लिया, अवलांच को बाय करके रख लिया। अब आप लोगों ने सेल कब करना है, आप कभी भी शाम को उठते बैठते कभी भी आपके पास टाइम मिले तो आप लोगों ने जाके देखना है अवलांच की प्राइस अगर 48 पे चली गई है, 10% या 15% ऊपर चली गई है, तो आपने उस वक्त क्या करना है, बाय सेल कर देना है। सेल किस में करना है, USDT में सेल कर देना, मतलब जो डिजिटल डॉलर है उसमें कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे आते हैं अवलांच, ठीक है, अवलांच आपने जो है ना फॉर एग्जांपल $100 का आपने बाय किया था तो आपके पास 2.5 थे, जैसे ये 10% ऊपर गया आपके पास $10 आ गए, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना USDT में। USDT क्या होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉलर है, डिजिटल डॉलर है, ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस ऊपर नहीं नीचे नहीं जाती, लेकिन ये है क्रिप्टो में तो आपको विदड्रॉ डिपॉजिट करने की टेंशन नहीं है, एक्सचेंज के अंदर ही रहेंगे, तो आपने इसमें कन्वर्ट कर देना है। जैसे आपने देखना है फिर वो 5-10% गिरा, उसके बाद आपने बाय कर लेने, तो सिंपल है लेन देन। और आप उठते बैठे जब भी आपको दिल करे आप अपना वॉलेट उठा के देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वो जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने डे ट्रेडिंग नहीं पढ़ना। जब आपने देखना है 5% से ऊपर है, क्योंकि कुछ फीस भी अप्लाई होंगी, तो 5% से ऊपर जो फ्लक्चुएशन होना तब आपने एक्शन लेना है। अगर 5% to 10% अप हो गया या उससे ज़्यादा अप हो गया तो आपने फ़ौरन सेल कर देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये उससे ऊपर जा रहा है तो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ी आप रिसर्च करते हैं या उसमें नॉलेज रखते हैं तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज 5-10% ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया। जब वो जो है ना दोबारा 5-10% बाउंस होनी चाहिए, आपको लगता है कि यार अभी ये जो है ना बहुत नीचे आ चुके हैं, उसको बाय कर दें। आसान है, स्टूडेंट हैं या ऑफिस वर्कर हैं, आप किसी भी टाइम अपने वॉलेट को खोल के देख सकते हैं। और सब इससे मज़े की बात क्या है, आप चलते फिरते ट्रेड भी कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको एक बोनस देना चाहता हूँ, सेलेस्टिया। सेलेस्टिया एक जो है ना कॉइन है जो वन ऑफ माई फेवरेट है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में ये कहाँ पे चला गया, कितने परसेंट, 713% विद इन वन ईयर। और ये इसकी जो ग्रोथ शुरू हुई है वो कब से शुरू हुई है, नवंबर से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। अब देखिए कहाँ पे चला गया, $17 तक चला गया। तो दोस्तों सेलेस्टिया इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड होप फॉर द बेस्ट। सिंपल है, सबसे पहले आप लोगों ने बाइनांस के ऊपर अकाउंट बना लेना, वेरीफाई कर लेना, उसके बाद क्रिप्टो बाय करके रख लेनी है, और टॉप 100 में से ही क्रिप्टो सेलेक्ट करनी है। और क्रिप्टो तब बाय करनी जब डाउन हो, और तब सेल करनी जब अप हो। आप लोगों ने जब अप हो तो उस वक्त बाय नहीं करनी शुरू कर देनी, उस वक्त वेट करना है, जब डाउन हो उस वक्त जाके बाय करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट कर दें आज ही मनी मेकिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक करके इसको बूस्ट जरूर दे दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।